ओके, आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब हम लिखवाएंगे, सुनो नो, डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल लिखवाऊंगा। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूजन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों एक जैसी बातें हैं। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आगे करने के लिए किसी को काम देना, तो ऑथराइज समवन, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, सेम चीज, तो कंफ्यूजन है ना, इसका एग्जाम्पल लिखो। लिखो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखे, शायद आपको बात समझ में आ जाए एग्जाम्पल से। लिखो फॉर एग्जाम्पल, जीएम ऑफ अ कंपनी, जीएम इज जनरल मैनेजर, जीएम ऑफ अ कंपनी assigned अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्शन मैनेजर, टू द प्रोडक्शन मैनेजर फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज नीडेड फॉर हिज डिवीजन, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज नीडेड फॉर हिज डिवीजन और डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट। This will be treated as delegation of authority. अब सुनो गौर से मेरी बात। मैंने क्या कहा, एक कंपनी के जीएम ने एक प्रोडक्शन मैनेजर को कहा, अगर तुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ आदमी चाहिए तो यू आर फ्री टू अपॉइंट देम, जा, ये तेरे को हक दे दिया। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक कंपनी की बात करें। बट देखो, ऑन द अदर हैंड इफ दिस अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज is delegated to every department head, then it will be termed as decentralization. आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। थोड़ी सी बात को आपने समझा होगा मैंने क्या लिखवाया, आप समझे। अगर एक कंपनी के जीएम ने एक डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया और बोला, ये पकड़, आज से तेरी मर्जी, तो वो जो आदमी चाहिए अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और अगर यही अथॉरिटी हर एक डिपार्टमेंट के हेड को दे दी जाए, कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के हेड को, चाहे वो परचेज है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे एचआर है, चाहे उसके पास सेल्स है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे स्टोर है, अगर ये वाली अथॉरिटी, एम्प्लॉइज अपॉइंट करने की अथॉरिटी, हर एक डिपार्टमेंट के चैनल पे डिपार्टमेंट हेड को दे दी जाए, तो क्या बोलेंगे उसे, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो लिखो कंक्लूड, डिसेंट्रलाइजेशन, लिखो कंक्लूड, we can say that when we delegate the authority, we can say that when we delegate the authority, we multiply it by 2, but when we decentralize, we multiply it by many, समझे, we multiply it by many,
ठीक है, इधर समझाई बात। जब हम दो देखो ना, जीएम ने किसको कहा था, सिर्फ प्रोसेस मैनेजर को, तो हमने क्या कहा, दो से मल्टीप्लाई हो गई। लेकिन अगर हर एक डिपार्टमेंट को दे दी तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय मैनी। यानी कोई भी अथॉरिटी जब हम एक डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर दे रहे हैं या एक डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, एक या दो डिपार्टमेंट। लेकिन अगर हर एक डिपार्टमेंट में वही अथॉरिटी दे दी गई, दैट इज कॉल्ड डी, समझना मतलब को प्लीज, बहुत डीप मतलब है। हाँ डेलीगेशन अथॉरिटी वही काम अपने जो नीचे ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबको बोले कि तुम्हें इतनी इतनी गाड़ियां भेजनी, वो डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं 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 ना, वो तो उसके डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रहा है सर, विद इन हिज डिपार्टमेंट, वो तो डेलीगेशन अथॉरिटी है। आपने सेल्स मैनेजर को कहा कि आपको 100,000 गाड़ी बेचनी है, मान लो मैं सेल्स मैनेजर, मुझे टारगेट दिया गया और मेरे अंडर काम करने 10 लोग थे, मैंने 10 को बुलाया, इधर आओ सारे आ जाओ मीटिंग, भैया 100,000 गाड़ी का टारगेट है, तू बोल कितनी बेच सकता है, मैं 15,000, चल हो गया तेरा, तू 10,000, तू 15, हो गई बांट दी मैंने, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर यही अथॉरिटी जो 100,000 गाड़ी बेचने की मेरे को बोली गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई, अगर एक कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट को बोल दी जाए कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100,000 गाड़ी बिकनी चाहिए, नो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इफ इट इज विद इन टू और विद इन द डिपार्टमेंट, वो डेलीगेशन अथॉरिटी है, और जब सब डिपार्टमेंट इंक्लूड हो गया तो क्या बन गया, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, चलो इसलिए मैंने आपको इसे एग्जाम्पल दिया, आ जाओ आगे, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके फीचर्स लिख लेते हैं, सिर्फ लाइन सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लिखो, इट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ DOA, इट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ DOA, पहला फीचर। फीचर नंबर टू, वर्जन VERSION वर्जन ऑफ DOA, ठीक है जी। नंबर टू, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है रोल, इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंस, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। फिर उसके बाद तीसरा, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स। आगे, डिसीजंस आर टेकन बाय दोज इंप्लॉइज, by those employees who are going to implement them, decisions are taken by those employees who are going to implement them. बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे, इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल, इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, WHOL, नेक्स्ट, अलोंग विद द अथॉरिटी, Even accountability is also delegated. इसके अंदर अब accountability भी delegate हो गई, ठीक है जी। चलो ये हो गए फीचर्स, बस इज ऑल्सो डेलीगेटेड,
ठीक है जी, ये हो गए फीचर्स। लास्ट टॉपिक लिखो इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट टॉपिक लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जल्दी से मेन में लिखवाता हूं, ज्यादा नहीं। नंबर वन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ मैंने क्या बोल सकते हैं, इजीनेस टू टॉप मैनेजमेंट है, राहत। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसका वर्ड, इसका इंग्लिश में कोई और मीनिंग इसका है, रिलीफ या सेटिस्फेक्शन तरीके से उनको राहत देनी, मतलब उनको टॉप मैनेजमेंट को थोड़ी सी शांति मिल जाए, मतलब वर्कलोड कम हो जाए। तो रिलीफ लिख लो, छोड़ो यार, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट लिखो जल्दी से। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन बाय अ सुपीरियर ऑन हिज सबोर्डिनेट। एज अ रिजल्ट इट गिव्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, नेक्स्ट लिखो इट गिव्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो डेवलप्स मैनेजीरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, मतलब नए मैनेजर्स तैयार होते हैं इससे। जब आपने सारे डिपार्टमेंट से काम बांट दिया, सबको अथॉरिटी बांट दी, तो क्या होगा, जो नीचे काम करने वाले हैं अब उनको अथॉरिटी मिल गई कुछ सोचने की कुछ करने की, तो क्या बनेगा, कुछ अच्छे लोग निकल के आएंगे। इट विल डेवलप द मैनेजरियल स्किल्स फॉर द फ्यूचर, यानी कंपनी को फ्यूचर के लिए अच्छे मैनेजर्स मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा सिर्फ एक ही आदमी सोचेगा, एक ही आदमी करेगा, एक ही आदमी डिसाइड करेगा, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, सिर्फ फॉलो करने वाले, दे विल ओनली फॉलो व्हाट ही विल से, वो कुछ नहीं सोचेंगे, उनको सोचने का हक नहीं दिया जाए जो नीचे काम करने वाले होंगे। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है और डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट दी जाती है बातें, तो फिर क्या होता है, जो नीचे वाले हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, और हमें क्या मिलेगा, अच्छे मैनेजर्स मिलेंगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है जी। तो लिखो फटाफट, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन कॉमा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी is given even to the lower level managers, by giving them opportunity to take decisions, due to that their knowledge comma experience and talent of all levels will increase, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज
develops initiative among subordinates. Develops initiative among subordinates. वही बात आगे दोबारा, इनिशिएटिव मैंने कुछ नया करना। जब आप किसी को काम करने की हिम्मत दोगे, ताकत दोगे, उसे अथॉरिटी दोगे और बोलोगे तू काम कर सकता है, टेक योर डिसीजंस, तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, इनिशिएटिव लेगा। ठीक है जी, इनिशिएटिव का मतलब होता है डूइंग समथिंग न्यू, थिंकिंग समथिंग न्यू। ठीक है जी, चलो लिखो फटाफट। इट डेवलप्स इनिशिएटिव among subordinates because authority is a kind of power, authority is a kind of power which compel a person to think or to do something new. This brings in the ability to take initiative. This brings in the ability to take initiative. ठीक है जी, जब आप किसी को कोई अथॉरिटी देते हो करने के लिए कुछ काम, तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पावर है जो आपको कंपेल करती है कुछ नया सोचने के लिए। अगर मान लो एक कंपनी में आप नॉर्मल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हो, आपका काम है सिर्फ एंट्री करना और आगे निकल जाना, रोज सुबह आना, शाम तक पंचिंग करना, शाम को घर चले जाना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई, योर जॉब इज जस्ट टू पंच द डाटा एंड गो होम, इतना ही है। लेकिन जिस दिन मैंने आपको अथॉरिटी दी, भैया आज से तुम क्या करो, ये चार लोग तुम्हारे अंडर है, ये टोटल 15 लोग काम करते हैं, 15 में से चार तुम्हारे अंडर है, सारी की सारी परचेज, सेल्स, मनी, क्रेडिटर्स और डेब्टर्स अब तुम्हारे अंडर है, अब तुम्हें संभालने हैं कंपनी के अंदर डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, यानी परचेज और सेल हमें तुम्हें संभालनी है, किसको उधार दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, किससे नहीं लिया जाएगा, सब तुम्हारी जिम्मेवारी है आज के बाद। जब कभी बॉस पूछेगा वो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा, हाँ भाई इसको उधार देते कि ना दे, हाँ भाई इससे उधार पे ले ले या ना ले, तुम हो। तो उस दिन क्या होगा मालूम, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, नाउ दैट अथॉरिटी विल कंपेल यू, वो एक ऐसी पावर है जो तुम्हें फोर्स करेगी कुछ नया करने के लिए। मालूम सबसे पहला काम तुम क्या करो, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ रिपोर्ट। आप ऐसी एक रिपोर्ट के बारे में सोचोगे जो आपको एक ही पेज में बता दे कि कौन सा डेटर अच्छा है जिससे हम उधार ले सकते हैं और कौन सा क्रेडिटर अच्छा है जिससे हम उधार ले सकते हैं। यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ रिपोर्ट समथिंग न्यू। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होगा। अगर घर में भी आपको छोटी सी अथॉरिटी दे दी जाए, मान लो छोटा फंक्शन हो और आपको ऑथराइज कर दिया जाए, डैडी आपको बोल दे ये जो फंक्शन है ना इसका सारा का सारा जिम्मा दे रहा है। मान लो घर में कोई फंक्शन हुआ और आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई, क्या दरिया उठा दे, ये कर दे, वो आप काम करवा रहे हो साथ, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर अब आपसे कहा जाए इस बार जो फंक्शन होगा यू आर द वन ऑथराइज, जो भी खर्चा करना है, जिसको भी पैसे देने हैं, जो भी सामान लाना है, जो भी लगाना है, यू आर द ओनली वन, तो बताओ पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, काम करने के स्टाइल में डिफरेंस आ जाएगा। पता आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक ले लोगे, आप खर्चे को लिखना शुरू करोगे या कुछ ना कुछ नया आप करोगे, समथिंग न्यू, तो मतलब इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है जी, चलो आगे लिखो एक और पॉइंट फिर बात खत्म करें। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये भी समझ गए होगे आप कैसे, पहले एक आदमी फैसले ले रहा था, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नाउ वी हैव इंक्रीज द पॉइंट्स वेयर द डिसीजन कैन बी टेकन। पहले एक आदमी था, मान लो कंपनी में एक ही आदमी था, देर वॉज नो डिसेंट्रलाइजेशन, इट वॉज ओनली वन पर्सन। अभी किसी को पहुंचना है जीएम तक,
उसको 3 दिन लग गए वहां जाने तक, क्योंकि एक ही आदमी है. दिस इज ओनली वन पॉइंट वेयर वी कैन टेक डिसीजन फॉर एनीथिंग. नाउ वी हैव स्प्रेड द पॉइंट्स. अब हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हैं जो फैसला ले सकते हैं. तो अब क्या हो जाएगा, क्विक जल्दी हो जाएगा ना काम. तो लिखो जल्दी से फटाफट. द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजंस, द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजंस is not with limited people, but it is distributed among many people. This will lead to quick decisions. This will lead to quick decisions and better result. You get it? और last point लिखो better control. And better result, quick decision, better result. Last point लिखो better control. सुनो मेरी बात, जब एक ही मैनेजर था सब कुछ उसी को कंट्रोल करना था तो नीचे वाले शरारते करते थे, करेंगे ना, अब इसी के सिर पे गिरेगी, जो भी कुछ होगा इसी के सिर पे आएगा, चलो मस्ती करो यार, है ना. अभी सुनो मेरी बात, जब क्लास के अंदर एक मॉनिटर था एक, तो सब शरारते करते. अभी हम शोर करेंगे, प्रिंसिपल इसको बुलाएगा, डांटेगा, चलो शरारते करो. अभी क्या कर दिया मालूम है, अभी क्या किया, अभी लड़कों को अलग कर दिया, लड़कियों को अलग कर दिया, दो बना दिए, कर दिया ना सर, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग. फिर क्या किया, फिर चार बना दिए, 15-15 बच्चों पे एक एक. अब क्या होगा उस, अब जो शरारते करते थे ना उन्हीं को मॉनिटर बना देते हैं क्लास के अंदर, उनको मॉनिटर बना दो. अब ना तो वो शरारते खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे. क्या हो जाएगा, बेटर कंट्रोल हो जाएगा. यही कंपनियों में होता है, जब एक आदमी सबको डिसीजन लेगा तो नीचे वाले क्या करेंगे, उसके बाद गेम खेलेंगे, अरे छोड़ यार इसकी बेइज्जती करवाते चल. अभी जब बहुत सारे लोग हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हैं जो डिसीजन ले सकते हैं. काम करने वाले पहले भी थे, काम करने वाले अब भी हैं, लेकिन अब डिसीजन पावर दे दी गई है, अब ऑथराइज बना दिए गए हैं. अब क्या होगा, बेटर कंट्रोल हो जाएगा, अच्छे से काम करेंगे और बेटर कंट्रोल हो जाएगा. लिखो जल्दी से, आप एक लाइन लिख लो, डिसेंट्रलाइजेशन helps to evaluate the work performance at all levels and even makes possible of fixing accountability. Which will help the management to hold accountable each individual for their results. Which leads to better control. ठीक है जी. अब एक लास्ट पॉइंट और है, फैसिलिटेट ग्रोथ. लिखो फैसिलिटेट ग्रोथ. मैं इसलिए लास्ट कहता था कि उनका मोरल अप रहे.
फैसिलिटेट लिखो, फैसिलिटेट ग्रोथ, लास्ट पॉइंट बस ये लिख लेना अपने आप, अच्छा अपने आप लिख लेना छोड़ दो, ठीक है जी। फैसिलिटेट ग्रोथ कैसे, अभी किसी को पावर दोगे सोचने की तो क्या होगी, इसकी ग्रोथ ही तो होगी, वो कुछ सोचेगा कुछ नया करेगा तो क्या होगा, कंपनी भी ग्रो करेगी और ह्यूमन बींग भी ग्रो करेगी, मतलब दोनों ग्रो करेंगे, बिजनेस भी ग्रो करेगा और जो इंसान सोच रहा है जिसको आपने मैनेजर बनाया या जिसको आपने अथॉरिटी दी वो भी ग्रो करेगा, उसका दिमाग भी ग्रो करेगा, ही विल थिंक समथिंग न्यू, और उसके जो आइडियाज होंगे उससे क्या ग्रो करेगा, कंपनी भी ग्रो करेगी। निकलोगे अपने आपसे पॉइंट ही फैसिलिटेट ग्रो, ठीक है जी, खत्म कर दो इसको दो, अरे रुको शांति शांति, ये टॉपिक ये जो चैप्टर है ऑफिशियली खत्म हुआ, लेकिन लेकिन इसके भी दो केस स्टडी करनी है जो अभी हम ना कल पे मत डालो, कल तो काल है, आ जाओ अभी अभी इसकी दो केस स्टडी करते हैं, ठीक है आ जाओ फटाफट जल्दी से आओ लिखो केस स्टडी फटाफट, कल एक काल है, अरे क्यों बर्थडे के लिए पढ़े क्यों बेच रही, अच्छा कल करना चाहते हो केस स्टडी, अभी घर जाओगे 20 मिनट पहले, ओके ठीक है कल मिलते हैं, जाओ जाओ।